नमस्कार दोस्तों, आज हम हेल्दी स्प्राउट्स सलाद बनाएंगे। इसके लिए मैंने कुछ चना ले लिया है, थोड़ी मूंग की साबुत दाल है, कुछ मेथी के दाने हैं, 2 चम्मच के करीब हैं। ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है, इसे भी हम इनके साथ ही डाल दें। इसे हम पानी से अच्छी तरह से धोकर रात भर के लिए भिगो देंगे, खुले पानी में भिगोएंगे इसे। चना और मूंग फूल चुका है, अब हम इसे किसी साफ और गीले सूती कपड़े में डाल देंगे, लपेट कर कपड़े में ही छोड़ देंगे। कपड़ा बिल्कुल गीला होना चाहिए, थोड़ा पानी और छिड़क देंगे हम और ढककर 10 घंटे के लिए इसे छोड़ देंगे। दाल और चना अंकुरित हो चुका है, जितना इसे आप गर्म जगह और अंधेरी जगह रखेंगे उतनी ही जल्दी इसके स्प्राउट्स निकल कर आएंगे। अब हम इसे गर्म पानी से थोड़ा धो लेंगे ताकि इसकी स्मेल अच्छी तरह से निकल जाए। स्प्राउट्स को गर्म पानी में हमने धो लिया है, इसमें हम हल्की बॉईल की मटर डाल देंगे, कॉर्न्स डालेंगे, ये भी हल्के बॉईल किए हुए हैं मैंने, कुछ कैप्सिकम डाल देंगे, टेस्ट के हिसाब से प्याज डालेंगे, बीज निकाल कर टमाटर ले लिए हैं मैंने, थोड़ा सा हरा धनिया लेंगे, कुछ फ्रेश पुदीने की पत्ती ले ली हैं, टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च, नमक डाल देंगे, कुछ काला नमक डालेंगे, चाट मसाला डाल देंगे, थोड़ी सी काली मिर्च, इन्हें हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। ऊपर से लेमन जूस डाल देंगे, हेल्दी स्प्राउट सलाद हमारा तैयार है, जो कि प्रोटीन और फाइबर से भरपूर है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।